गाइज नमस्कार, मैं हूं दिनेश, आप देख रहे हैं डीएसएम एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार के नल आपको सेलेक्ट करने चाहिए जिससे नल में ज़्यादा प्रेशर आए और जल्दी नल ख़राब भी नहीं हो और कम बजट में अपना काम हो जाए। तो दोस्तों आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं इस प्रकार का वीडियो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम आपके लिए दो नल लेके आए, एक हाफ टन का नल है जो कि ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, प्लस इसमें थोड़ा नल का मॉडल भी चेंज है, और एक है दोस्तों फुल टन नल जो आप नॉर्मली बहुत सारी जगह पे देख रहे हैं। दोस्तों नल दोनों के डिफरेंस की बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कौन से नल में प्रेशर ज़्यादा आएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास दो नल है, एक ये जो नल आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है गोल्ड लाइन ब्रांड का है दोस्तों, ये दोस्तों एक क्वार्टर टन नल है, जैसे कि आपको इतना सा घुमाना पड़ेगा इस नल को ऑन ऑफ करने में। और ये दूसरा नल है दोस्तों सीको ब्रांड का है जिसको आपको ज़्यादा घुमाना पड़ेगा। बहुत सारी जगह पे आपने ये भी नल देखे होंगे, ये भी नल देखे होंगे। बहुत सारे बार हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि ये दोनों नल में क्या फ़र्क है, रेंज का क्या फ़र्क है, प्लस दोनों में से जल्दी ख़राब कौन होता है, प्रेशर के लिए कौन सा नल अच्छा है, कौन सा नल अच्छा है। तो पूरी डिटेल से आज दोस्तों हम आपके लिए वीडियो बनाए, वीडियो को पूरा देखे और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर ले। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे नल में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों अगर आप थ्रेडिंग की बात करें तो सब नल की थ्रेडिंग हाफ थ्रेड ही होते हैं, जैसे कि आप ये थ्रेड देख रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों प्रेशर की बात करें तो ये वाले नल में आपको थोड़ा ज़्यादा प्रेशर मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको स्पिंडल, हम आपको बताने वाले हैं कि स्पिंडल इसमें कौन सा स्पिंडल बैठने वाला है। इसमें आपको फुल टर्न है तो ये आपको इसमें प्रेशर थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, प्लस वाजिब दाम में भी ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। दूसरी बात करें तो दोस्तों ये है गोल्ड लाइन का नल है। गोल्ड लाइन का नल दोस्तों ये आप देख रहे हैं क्वालिटी और वेट में थोड़ा इससे ज़्यादा है, लेकिन प्रेशर की बात करें तो इसमें थोड़ा कम प्रेशर आएगा क्योंकि इसमें होल थोड़ा कम रहता है। अभी आप देख लेते हैं दोनों में कौन कौन सा पार्ट लग रहा है। तो दोस्तों जिसकी हमारे हाथ में है ये दो पार्ट, ये वाला पार्ट जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे ब्लैक वॉशर वाला, तो ये है सीको ब्रांड वाले का और ये है गोल्ड लाइन के ब्रांड वाले का, इसमें ये वाला पैसे बैठ रहा है। अभी प्रेशर की कमी का कारण दोस्तों आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो होल है वो बहुत कम रहता है, ये आप जो खोल के देख रहे हैं वो बहुत कम रहता है। यहाँ से प्रेशर का फ्लो आता है दोस्तों, यहाँ से होके यहाँ से पास हो जाता है, तो इतना सा खुलने के कारण अगर आपके पास ज़्यादा प्रेशर है पानी में तो आपको ये नल अच्छे से काम कर पाएगा। तो अगर आपके पास ज़्यादा प्रेशर है पानी में तो आप ये नल लगाए ठीक रहेगा, और कम प्रेशर है दोस्तों इस प्रकार का नल आपको लगाना पड़ेगा। जैसे कि देख रहे हैं कि आप इसको ऑन ऑफ करते हैं तो ये आगे पीछे हो रहा है, तो दोस्तों पूरा होल खुलता है इसमें, तो ये नल आपके लिए अगर कम प्रेशर है पानी में तो आपके लिए ये नल अच्छे रहेगा। तो दोस्तों इसके अलावा इसमें ये डिफरेंस मिलता है कि आपको ये जो जाली दिख रही है इसमें एक नॉर्मल जाली मिलती है, जो अगर बाहर निकल गई या ख़राब हो गई तो आपको इसमें जाली का रिप्लेसमेंट नहीं मिलता है, यानी कि आप इसको जाली को और नई जाली नहीं बिठा सकते, तो नॉर्मल पानी ही आपको देखने को मिलेगा। और इस नल में दोस्तों आपको फोम टाइप पानी देखने को मिलेगा, यानी कि जो आप नेट दिख रहे हैं इसको आप यहाँ से खोल के इसको बाद में अगर साफ़ करना है, कुछ ख़राब हो जाए तो साफ़ भी कर सकते हैं, प्लस नई जाली का रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। इसमें दोस्तों फोम टाइप पानी आता है जो पानी स्प्लैश नहीं करता है अगर पानी के नीचे अपन हाथ डालते हैं। तो अगर रेट की बात करते हैं तो इस प्रकार के जो नॉर्मल फुल टन नल है ये नल आपको मार्केट में 300 रुपये, 350 रुपये के एवरेज में मिल जाते हैं। प्लस दोस्तों ये जो नल है दूसरा नल, ये क्वार्टर टन वाले नल, ये नल आपको 500 रुपये के एवरेज में मिलेंगे। तो थोड़े नल की क्वालिटी के हिसाब से दोस्तों रेट का भी फ़र्क है। और स्पिंडल तो दोस्तों हमने आपको बताया कि ये जो नल है सीको का स्पिंडल है, और ये नॉर्मल नल जो कि ज़्यादा घुमाने वाला है इसमें बैठने वाला है, और ये डिश वाले जो नल है ये आपको गोल्ड लाइन वाले में या और भी बहुत सारे जो हाफ टन नल है उसमें आपको बैठने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज हमने आपको बताया कि कौन सा नल आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, कौन सा नल सबसे बेस्ट नहीं रहेगा, किस प्रकार का आप नल सिलेक्शन करते टाइम आप सिलेक्शन कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।